झुकता था कि मैं जब अपने बुजुर्गों के बारे में बात करती थी कि मैं एक मिलिट्री खानदान से हूँ, अब मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कितने काले करतूत और कितने घटिया हैं, कितने घटिया हैं कि वो अपने मुल्क को भी बेच रहे हैं, ऐसे जरायम पेशा लोगों को हम भी मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह की लाठी में आवाज है, अल्लाह ने जैसे एक्सपोज किया है इमरान खान के थ्रू, एक फौजी की बेटी, एक फौजी की बहन, एक फौजी की बीवी हूँ, और मुझे जितना गुस्सा है आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मेरे वाले तो गाजी थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनको मुंह पर गोली लगी और उनको मिलिट्री क्रॉस मिला, कर्नल मोहम्मद जरीफ की मैं बेटी हूँ, कप्तान टिका खान की मैं पोती हूँ, और मतलब कर्नल बदर की मैं बहन हूँ, कमांडर आजम दास की मैं बीवी हूँ। सो हमें जितना गुस्सा है इन काली भेड़ों का जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठी है जिन्होंने तबाह कर दिया है कि पहले फखर से मेरा सर नहीं झुकता था कि मैं जब अपने बुजुर्गों के बारे में बात करती थी कि मैं एक मिलिट्री खानदान से हूँ, अब मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कितने काले करतूत और कितने घटिया हैं कि वो अपने मुल्क को भी बेच रहे हैं, ऐसे जरायम पेशा लोगों को हम भी मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह की लाठी में आवाज है, अल्लाह ने जैसे एक्सपोज किया है इमरान खान के थ्रू इन सब काली भेड़ों को, वो दिन दूर नहीं कि मुकाफात अमल इधर पाकिस्तान में ही होगा, दुनिया में ही होगा।